नमस्कार, आप सभी दर्शकों का डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में जानेंगे धन प्राप्ति के लिए घर पर कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं। जानते हैं पहला उपाय, तिजोरी में गुंचा के बीज रखने से अचानक धन लाभ के स्रोत बन जाते हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरे उपाय में धन वृद्धि के लिए लाल कपड़े में मोती शंख बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए और काली हल्दी को सिंदूर और धूप देकर कुछ सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें और धूप इत्यादि दिखाते रहें तो ऐसा करने से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगले उपाय में लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जप करें उतना ज़्यादा आपको लाभ होता है, पर लक्ष्मी जी के मंत्र का जप आप कमलगट्टी की माला या स्फटिक की माला से करें और किसी शुक्ल पक्ष के बुधवार या शुक्रवार से इस जप को प्रारंभ करें। साथियों, जिस घर में नियमित रूप से श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है वहां पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। श्री सूक्त के पाठों का अनुष्ठान कराने के लिए आप मुझे भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। शुक्रवार के दिन किसी लक्ष्मी मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के शंख, कमल का फूल, मखाने, बतासे इत्यादि यदि आप चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगला उपाय रामायण से। रामायण की जो चौपाई स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है उसका भी नित्य 108 बार कम से कम अगर आप जाप करें तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथियों, इसके अलावा धन रखने के स्थान पर गोमती चक्र, कौड़ियाँ, धनिया के दाने इत्यादि रेशमी वस्त्र में बांध करके रखें और समय समय पर धूप दीप देते रहें। इसके अलावा खूब मेहनत करें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।